प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है? देखिए हमसे पूछ रहा है, तो सर्वांगसम वही होता है जो दूसरी को ढक ले। तो देखिए हमारा इसमें 40 और 60 है, इसमें भी 40 और 60 है, और इसमें आधार भुजा मान ली 3.5 सेंटीमीटर, इसमें भी 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये जो त्रिभुज है हमारा सर्वांगसम होगा। अब देखते हैं कौन सा भुजा कौन सा बिंदु किसके संगत है। तो देखिए ए के संगत यानी ए 40 है तो एफ 40 है, और यहाँ पर ई 40 है तो बी 40 है, तो सी और डी और आपस में संगत होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ध्यान रखें अगर ए बी सी हमने लिखा है तो इधर जब हम त्रिभुज लिखेंगे तो वो होगा, देखिए संगत के हिसाब से लिखा जाता है, तो संगत ए है तो ए के संगत कौन सा है, एफ, तो एफ। फिर लिखेंगे बी, बी के संगत कौन सा है, यहाँ पर 60 लिखा है यानी ई। अब सी के संगत कौन सा है, डी। तो अब हम इस प्रकार लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी जो है एफ ई डी के सर्वांगसम है। सर्वांगसम इसलिए है क्योंकि जब कोई तीन चीजें मिल जाए, देखिए ए ए एफ मिल गया, ई बी 60 60 मिल गया, और एक भुजा मिल गया, तो हमारे सर्वांगसम होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर देखते हैं इसमें कौन कौन सी भुजा सर्वांगसम है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये कोण लेते हैं तो इसमें देखिए ध्यान रखना ये कितना है टोटल 30 और 25 55, और ये कितना है 30 55 और 30, देखिए ये वाला कोण 55 और ये वाला 30। अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं ये वाला, तो इसमें भी उसी प्रकार है 30 और 25 55 और ये वाला 30, तो 55 और 30 इसमें भी है, और एक भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। देखिए इस त्रिभुज में भुजा ए बी है और इस त्रिभुज में भी भुजा ए बी है, तो हमारा ये जो भुजा होगी ये हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान इसे किस प्रकार लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले तो जब इसको ले लेंगे तो ए बी डी, ए बी डी, और इधर जब त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी सबसे पहले ए बी ही रहेंगे क्योंकि ए बी पर ही ए बी भुजा रहेगी, और ये सी, देखिए सी के संगत डी, तो इसे हम लिख देंगे ये हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब इधर देखिए तो इसमें क्या है, अगर हम त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखें तो हमारा सी कहां पर जाएगा, यहां पर, तो सी और ए संगत है और बी और डी संगत है। तो सबसे पहले तो अगर हम त्रिभुज लिखें, त्रिभुज ओ डी ए, ओ डी ए, तो इधर जब लिखेंगे हम त्रिभुज ओ डी ए, तो इधर लिखेंगे त्रिभुज ओ तो ओ रहेगा, और डी के संगत कौन सा है, बी, और ए के संगत कौन सा है, सी, बराबर यानी सर्वांगसम होंगे, ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर दो, चित्र में ए डी जो है कोण ए की अर्धक, ये जो ए डी रेखा है कोण ए की अर्धक, यानी इसका मतलब अगर ये 50 है तो 25 ये हो जाएगा और 25 ए हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर कह रहा है तथा ए डी जो है बीसी, ए डी जो है बीसी पर लंब है, जो ये जो ए डी रेखा है बीसी पर लंब है, लंब 90 अंश का ये बना रहा है, तो इधर भी 90 अंश का बनेगा। फिर कह रहा है क्या त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी सर्वांगसम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे है, क्या सर्वांगसम है। और देखिए कारण, तो कारण देखिए हमने बताया कि कोई दो त्रिभुज लीजिए आप और उसमें तीन चीजें बराबर मिल जाए, साइड मतलब भुजा और कोण, तो हम उसे कह सकते हैं सर्वांगसम है। तो देखिए हम सबसे पहले तो मान लेते हैं अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो इस त्रिभुज की भुजा एडी जो है, त्रिभुज की भुजा एडी जो है, और इस त्रिभुज में भी भुजा एडी है, यानी दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुजों में हमारी भुजा एडी है जो कि क्या है, बराबर है जब दोनों त्रिभुज में। फिर इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में कोण लेंगे ए डी बी, ए डी बी, और इस त्रिभुज में ए डी सी, ए डी सी, दोनों कितने हैं 90 अंश के, ये तो ऑलरेडी दिया है। फिर कह रहा है बी ए डी, इसमें ले लेते हैं बी ए डी यानी ये वाला कोण, और इसमें सी ए डी, सी ए डी जो दिया है बराबर, क्या दिया है, बराबर दिया है, वो भी किस प्रकार से, अर्धक के नियम से। अब हमारी तीन चीजें बराबर हो गई तो ये वाला हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। फिर कह रहा है क्या यह कहना सही है
कि बी डी बराबर डी सी, क्या ये बी डी है और ये जो डी सी बराबर है? हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर पहले सवाल में सिद्ध हो चुका है कि सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को एकदम ढक लेगा, तो क्या होगा, ये जो ये भुजा है त्रिभुज की, ये कर्ण भुजा है, कर्ण भुजा पर जाएगी, और ये जो लंब भुजा है लंब भुजा पर, और ये जो आधार भुजा है आधार भुजा पर जाएगी और एकदम बराबर होगी। तो बी डी बराबर डी सी क्या होगी, ये क्या कहना सही है कि बी डी बराबर बी सी? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी। प्रश्न नंबर 3, चित्र में रेखा ए एक्स, ये जो ए एक्स रेखा है सी ए बी, सी ए बी यानी इस कोण और बी डी सी, बी डी सी को समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो ए एक्स रेखा है सी ए बी और बी डी सी को समद्विभाजित यानी दो बराबर भाग, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। उन 3 तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी यानी ए बी डी और ए सी डी सर्वांगसम है। तो देखिए वो 3 तथ्यों को जब हम लिखेंगे, क्योंकि 3 तथ्यों अगर बराबर आप सिद्ध कर दीजिए तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो रेखा है ए एक्स जो है इसकी समद्विभाजित है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे डी ए सी, डी ए सी बराबर होगा डी ए सी और डी ए बी के, डी ए बी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या है अर्धक है, क्योंकि ए एक्स रेखा द्वारा क्या किया गया है अर्धक। फिर इसी प्रकार इधर भी देखते हैं, ये वाला ए डी सी, ए डी सी बराबर होगा ए डी बी, ए डी बी ये भी है क्या है हमारा अर्धक के कारण क्या है, दोनों बराबर है। अब जो देखिए अब त्रिभुज हमारा एक ऊपर है और एक नीचे है, लेकिन ये वाली जो भुजा है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, तो इसे क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में से होता है कॉमन, कॉमन में से होता है दोनों जो दोनों में हो। अब हमारे 3 चीजें बराबर हो गई, तो कह रहे हैं 3 तथ्यों को बताइए, तो ये हमारे वो 3 तथ्य हो गए जो यह सिद्ध करते हैं कि यह क्या है सर्वांगसम है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए सी डी क्या है हमारा सर्वांगसम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 6 और कोण ए 60 तथा कोण सी बराबर 45 है। तो सबसे पहले हमारी भुजा दी है जबकि ए सी कितनी है 6, तो हम सबसे पहले ए और सी 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। फिर कह रहा है कोण ए पर 60 अंश, तो इस पर हम 60 अंश की चादर की सहायता से कोण नाप लेंगे और रेखा बढ़ा देंगे। कोण सी पर 45, इस पर 45 बनाएंगे और रेखा को आगे बढ़ा देंगे, तो जहां पर हमारा काटेगा वहां पर हमारा एक बिंदु बी प्राप्त हो जाएगा, कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा बी, और इस प्रकार हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो यह अभ्यास 13D द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।